गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज क्लास सिक्स होम साइंस क्लास एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर सिक्स इन दिस वीडियो. चैप्टर सिक्स इज फूड नीड एंड मेथड्स ऑफ कुकिंग. इसमें आपको कुकिंग किस किस टाइप्स की होती हैं वो सब आप समझोगे. तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि द वर्ड कुकिंग मीन्स टू प्रिपेयर फूड और मील बाई हीटिंग द इन्ग्रीडियंट्स सो एज टू मेक देम एडिबल. कि आप किसी भी चीज़ को कच्चा नहीं खा सकते ना, यू आर नॉट अ एनिमल. आपको कोई भी चीज़ खानी है तो कुछ चीज़ आप रॉ खाते हो लाइक सैलड्स वगैरह, चटनी वगैरह, बट जो आप डेली का खाना खाते हो वो आप पका हुआ खाना खाते हो. ठीक है, अर्ली मैन डिड नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कुकिंग, सो वो लोग कच्चा खाते थे. बट टुडे वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कुकिंग, वी नो द यूजेस ऑफ कुक्ड फूड. हम जानते हैं ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वी ईट द कुक्ड फूड. तो कितने टाइप्स की कुकिंग होती है? सबसे पहले डेफिनेशन क्या है फूड की, दैट ईटिंग मटेरियल विच सेटिस्फाइज अवर हंगर. वो एक ऐसा ईटिंग मटेरियल जिससे हमारी भूख शांत होती है, विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी, हेल्प्स इन फिजिकल ग्रोथ एंड इनेबल्स अस टू कॉम्बैट डिजीजेज इज कॉल्ड फूड. अब फूड की नीड क्या है? हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू, ये हमारे टिश्यूज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है. गेनिंग एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है. मेंटेनिंग टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. फिजिकली डेवलपमेंट, और ये हमें फिजिकली भी डेवलप होने में हेल्प करता है. टाइप्स कितने हैं फूड के? रॉ फूड और कुक्ड फूड. कुछ फूड होते हैं जो हम रॉ खाते हैं, जैसे कि टोमेटो, कलीफ्लावर, कुकुम्बर, बीटरूट, लॉन्ग कुकुम्बर एट्सेट्रा. कुक्ड फूड लाइक पूरी, पराठा, कुक्ड पल्सेस, कुक्ड वेजिटेबल्स एंड बॉइल्ड राइस एग्जांपल्स हैं ये सब कुछ कुक्ड फूड के. रॉ फूड के फ़ायदे क्या होते हैं? ईटिंग रॉ फूड इज़ यूजफुल इन फॉलोइंग मैनर. कौन कौन से हैं वो? रॉ फूड इज़ ईटन इन इट्स नेचुरल फॉर्म, हेंस इट्स न्यूट्रिशियस वैल्यू रिमेन्स इंटैक्ट एंड इज़ नेवर लॉस्ट. उसकी जितनी भी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ होती हैं वो सारी उसमें मेंटेन रहती हैं. मिनरल्स अवेलेबल इन रॉ फूड मेक अ बॉडी हेल्थी. विटामिन इन रॉ फूड आर एसेंशियल फॉर अवर हेल्थ एंड टू कॉम्बैक्ट डिजीजेस. यूजेज ऑफ कुक्ड फूड, और कुक्ड फूड के क्या फ़ायदे हैं? ईजिली डाइजेस्टेबल, आसानी से पच जाती है. बॉइलिंग, स्टीमिंग द मेक द फूड जर्म फ्री. और ये सब हम बॉइल कर देते हैं, कुक कर देते हैं, तो ये बिल्कुल से जर्म फ्री हो जाता है. फूड बिकम्स मोर टेस्टिंग. सिंगल फूड में बी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट टेस्ट्स. कुक्ड फूड कैन बी ईजिली च्यूड. कुक्ड फूड हैज़ लॉन्ग लाइफ. तो ये सारे कुछ कच्चे फूड के भी फ़ायदे हैं, रॉ फूड के भी फ़ायदे हैं, तो कुक्ड फूड के भी फ़ायदे हैं. नाउ वेरियस मेथड्स भी हैं यहाँ पे कुकिंग के. कुछ चीज़ों को हम बॉयल करके पकाते हैं. सबसे पहला मेथड है हमारा बॉयलिंग. दिस इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग इन हॉट वाटर. हॉट वाटर में जैसे कुक पोटैटोज हो गए, स्वीट पोटैटोज हो गए एंड अदर हार्ड वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग पीसीज ऑफ मीट शुड बी कुक्ड इन हॉट वाटर टिल दे बिकम सॉफ्ट. जब तक वो थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक उनको नॉर्मल पानी में ही, गर्म पानी में उनको रख करके बॉयल किया जाता है. फिर होता है स्टीविंग. Cooking in a covered pan using only a small quantity of liquid which is kept simmering is called stewing. But by this method a large number of nutrients are dissolved in water. फिर आता है आपका frying. Frying में क्या आता है? जैसे कि आप deep frying, fat frying या फिर shallow fat frying, कई तरीके से आप इसको fry कर सकते हो. आप अपने बुक में डिटेल देख सकते हो. फिर आपका बेकिंग एंड रोस्टिंग, आप कुछ चीज़ों को बेक कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो. फिर होती है स्टीमिंग, जैसे आप स्टीम करके चावल वगैरह को पकाते हो, दैट इज़ स्टीमिंग. एक होता है कुक आपका माइक्रोवेव कुकरी, कुछ चीज़ों को आप माइक्रोवेव में रख के डायरेक्ट कर सकते हो. तो माइक्रोवेव में जो कुकिंग होती है इसके कुछ एडवांटेज हैं कि जैसे कि आप पकाते हुए आप कुछ और भी काम कर सकते हो, कम समय लगता है खाना बनने में, और फ्लेवर और न्यूट्रिशन वैल्यू आर गुड इन कंपैरिजन टू अदर मेथड. उनकी टेस्ट भी बनी रहती है. बट इसके कुछ डिसवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये थोड़े से द
फूड इज़ अनअट्रैक्टिव टू लुक एंड इट डज नॉट ब्राउन द फूड विदाउट पावर सप्लाई कुकिंग कैन नॉट बी डन, अगर लाइट नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो. टाइम हैज़ टू बी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर ईच रेसिपी, हर एक रेसिपी के लिए अलग अलग आपको जानकारी इतनी होनी चाहिए. अब क्या है कि कुछ प्रिकॉशन से अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो उसको ध्यान में रखिए. सबसे पहला तो आप रखिए कि द न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द शेल ऑफ पल्सेज एंड वेजिटेबल्स, इसलिए दे आर टू बी कुक्ड अलॉन्ग विथ शेल्स, कुछ चीज़ों को इनके छिलकों के साथ में पकाइए. स्टार्च एंड वाटर और फूड स्टफ शुड नॉट बी थ्रोन अवे, वेजिटेबल्स एंड मिल्क शुड बी बॉइल्ड इन आयरन पॉट्स सो दैट दे मे रिसीव्ड सम एसेंस ऑफ आयरन विद देम, लोहे के बर्तनों का यूज़ करना चाहिए अधिक ज़्यादा से ज़्यादा. टेस्टफुल वेजिटेबल शुड बी ईटन विदाउट कुकिंग, एग्स आर यूजफुल इफ दे आर ईटन बॉइल्ड और हाफ फ्राइड. कीप द फूड अवे, फूड ऑलवेज कवर्ड, अनपॉलिश्ड राइस आर वेरी हेल्पफुल, कोई पॉलिश्ड आजकल देखिए आते हैं तो उन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए. तो ये आपका चैप्टर था, इसको आप बुक से अपने भी थोड़ा सा डीपली अगर आप नॉलेज चाहते हो तो एक बार आप बुक रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बताई गई हैं. सो दिस वॉज अ चैप्टर, कम्प्लीट दिस चैप्टर, टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय.